Hi dear viewers, I Shivani Agrawal, your host and host, welcome you all in the Gateway classes. In this video, we are going to discuss about Unit 3rd and Unit 3rd ka one shot video technical communication mein lekar hazir hoon. Is video se kam 15 marks ke question lagenge, bahut dhyan se dekhiyega. Beech beech mein main aapko 2 marks ke question bhi batati jaungi. Technical presentation ki baat kar rahe hain. Presentation hota kya hai? Ye 2 marks mein bahut important question hai. Maine aapko alag se bhi bataya hai. प्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक टॉपिक टू द स्पेसिफिक ऑडियंस विद ए स्पेसिफिक पर्पस. यानी प्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग है और क्या प्रेजेंट करना है? स्पेसिफिक टॉपिक प्रेजेंट करना है ना, स्पेसिफिक ऑडियंस को प्रेजेंट करना है, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए. प्रेजेंटेशन में भी इन फॉर्म ऑफ डेमोंस्ट्रेशन. प्रेजेंटेशन के फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? कभी कभी आप डेमोंस्ट्रेशन के फॉर्म में देते हैं, कभी समटाइम्स यू प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, समटाइम्स यू जस्ट डिलीवर ए लेक्चर और सिंपली ए स्पीच. बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन की. समटाइम्स प्रेजेंटेशंस आर मेड टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, टू इंस्ट्रक्ट द ऑडियंस, टू परसुएट द ऑडियंस. Sometimes we just present to motivate or inspire, to lead, to teach, to train a team, to convince them to accept any idea or some product. Hence, we may say that in presentation, a speaker present a targeted topic to the targeted audience and with a targeted purpose, with a targeted audience. तो speaker एक targeted topic को, targeted audience को, targeted purpose के साथ प्रेजेंट करता है. आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं. टू मेक ए प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर बिफोर हैंड. बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले से ही. तो अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ एलिमेंट का ध्यान देना होगा, जैसे वैन, वेयर एंड वॉट टॉपिक यू आर गोइंग टू डिलीवर, कब, कहाँ और कौन सा टॉपिक डिलीवर करने जा रहे हैं. Whether the presentation is in a small room or in magnificent auditorium. क्या presentation आपका small room में होने वाला है या magnificent यानी कि शानदार auditorium में होने वाला है, ये भी अपने आप में ध्यान देने वाली बात है. Who will come there as your audience? ये सबसे ज़्यादा important चीज़ है कि आपके audience के form में कौन आने वाला है, उनकी age, उनका gender, उनका interest, liking, disliking, cultural background, educational background, languages known to them, ये भी आपको जानना ज़रूरी है. Whether you know them previously or not, क्या आप उनको पहले से जानते हैं या नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है. Know your audience need, requirements and their expectations from you. And lastly, आपको ये भी जानना है which tools and technologies you are going to use for your presentation. तो ये तो हमारे एलिमेंट्स हुए. अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट की. प्रेजेंटेशन में अगर आपको अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करना होगा? तो एक वेल फ्रेम्ड जो कंटेंट है वो सारी नर्वसनेस को सबसे पहले दूर कर देता है. अकॉर्डिंग टू डेल कार्नेजी, ए वेल प्रिपेयर्ड स्पीच इज़ ऑलरेडी 9/10 डिलीवर्ड. एक जो अच्छे से प्रिपेयर्ड स्पीच है, ये समझ लीजिए कि 9/10 पार्ट उसका पहले से, मतलब 9/10 पार्ट आपने ऑलरेडी उसको डिलीवर कर लिया, यानी आधा काम आपका लगभग पहले से हो गया. अब एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी सफिशिएंट, सफिशिएंट, सफिशिएंट अमाउंट, इनफ अमाउंट ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू बी एन इम्प्रेसिव स्पीकर. एक इम्प्रेसिव स्पीकर बनने के लिए आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए, एडिक्वेट मटेरियल होना चाहिए. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी डिलीवर्ड इन ए कन्विंसिंग मैनर टू द ऑडियंस. वो जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मटेरियल है वो कन्विंसिंग मैनर में डिलीवर किया जाना चाहिए. और इसके लिए हमारा प्रेजेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप में प्रिपेयर होना चाहिए पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन. इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन देयर कम्स इन कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन आपका प्रेजेंटेशन में कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन आपका प्रेजेंटेशन का बेसिक पार्ट है, मेन पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है. एंड दैट शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग, ऐसा हो जो अटेंशन को ग्रैब कर ले, कैच कर ले, अटेंशन कैचिंग होना चाहिए. द मेन पॉइंट्स ऑफ और द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन शुड स्पेसिफाई योर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन. जो मेन पॉइंट्स हों वो आपके स्पेसिफिक पर्पस को डिलीवर करने वाले हों और अटेंशन ग्रैबिंग हो. मेन बॉडी आता है. अब मेन बॉडी में क्या होता है? मेन पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड इन इंट्रोडक्शन पार्ट शुड बी इलैबोरेटेड हियर इन दिस पार्ट इन डिटेल. जो मेन पॉइंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आउटलाइन के फॉर्म में, इंट्रोडक्शन में, वही यहाँ पर इलैबोरेट किए जाते हैं फुल पार्ट में, डिटेल में. और देयर आर सर्टेन मेथड्स इन डेवलपिंग कंटेंट इन मेन बॉडी. मेन बॉडी में कंटेंट डेवलप करने के
डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, मेथड्स हैं, इंडक्टिव ऑर्डर है, डिडक्टिव ऑर्डर है, स्पेशियल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कंपेयर कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है, लीनियर ऑर्डर है, इंटरप्शन ऑर्डर है। एंडरसन के अनुसार दीज थिंग्स शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। एंडरसन ने ये बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड में देनी ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। प्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, करारा होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। इट शुड बी डिलीवर्ड सच एज टू अरोज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ये इस तरह से डिलीवर करा जाए कि ऑडियंस का इंटरेस्ट अरोज हो जाए, यानी राइज हो जाए, यानी कि जागृत हो जाए। कंक्लूजन, अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ऑल वेल दैट एंड्स वेल, आपने सुना ही होगा सब अच्छा हो जाता है अगर अंत अच्छा हो। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए, बिलीविंग ऑन दिस, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू बाइंड अप आवर प्रेजेंटेशन। हमें इस बात का ध्यान रखते हुए अपने प्रेजेंटेशन को बड़े ही अच्छे तरीके से बाइंड अप करना चाहिए। एक अच्छा कंक्लूजन इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट अच्छी बिगिनिंग है, अच्छा इंट्रोडक्शन है। फॉलोइंग आर द टिप्स टू मेक आवर कंक्लूजन ब्राइट, ट्राई टू डिवोट एटलीस्ट 10% ऑफ योर टाइम फॉर कंक्लूजन। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका प्रेजेंटेशन 60 मिनट्स का है तो एटलीस्ट 6 मिनट आप जो हैं वो कंक्लूजन के लिए देंगे। और इसमें क्या करेंगे, आपको 2 मिनट्स जो हैं वो रिव्यू के लिए रखेंगे। पूरा अब तक जो आपने बताया है उसको एक बार रिव्यू कर दीजिए, और एटलीस्ट 4-5 मिनट्स आप जो 3-5 मिनट्स आप जो हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए रखेंगे, वेयर यू कैन सॉल्व द क्वेरीज एंड डाउट्स ऑफ योर ऑडियंस। डू नॉट ऐड एनीथिंग न्यू इन दिस पार्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि इस पार्ट में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितना भी आप नया ऐड करेंगे दैट विल लीड टू फर्दर डिस्कशन, एंड फर्दर डिस्कशन जो है दैट विल मार द इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। मार्क का मतलब स्पॉइल करना, स्पॉइल करने का मतलब बिगाड़ देगा। स्टार्ट एंडिंग अच्छा एक चीज़ और भी है, स्टार्ट सेंडिंग इंडिकेशन टू योर ऑडियंस दैट यू आर गोइंग टू एंड अप योर प्रेजेंटेशन। जब आप ख़त्म करने वाले हों, जब आप समाप्ति की ओर बढ़ रहे हों, तो अपने ऑडियंस को इंडिकेशन देना शुरू कर दीजिए, संकेत देना शुरू कर दीजिए कि अब आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म होने वाला है। उसके लिए आप सर्टेन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन द एंड, टू सम अप, टू कंक्लूड, माई ओपिनियन कंक्लूड्स विद, दैट इज़ ऑल वॉट आई वॉन्ट टू से, है ना। फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बी केयरफुल अबाउट योर ऑडियंस एंड लोकेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के 2023 के उसमें आने वाला है। वाइल गोइंग अहेड फॉर प्रेजेंटेशन ए डेलिबरेट कंसीडरेशन अबाउट योर ऑडियंस इज मस्ट। आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक ऑडियंस के बारे में एक डेलिबरेट कंसीडरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स यू मस्ट बेयर इन योर माइंड वाइल डिसाइडिंग अबाउट योर ऑडियंस। जो पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहला है हु योर ऑडियंस इज़। जब हम बात करते हैं हु आवर ऑडियंस इज़, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा ऑडियंस जो आने वाला है उनमें से मैक्सिमम ऑडियंस की अप्रॉक्सीमेटली एज लेवल क्या है, एज स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है। बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादा रेशो में फीमेल्स आने वाले हैं या मेल्स आने वाले हैं। अकॉर्डिंगली आप उनकी नीड्स और प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपना कॉन्टेंट डिज़ाइन करेंगे। बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, बैकग्राउंड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एकेडमिक बैकग्राउंड आ जाता है और एक आ जाता है उनका रूरल या सेमी रूरल या फिर अर्बन बैकग्राउंड। ये भी आपको ध्यान देना है। लैंग्वेजेस नोन टू देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी जानना भी ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ लोग जो है बहुत देर में कैच कर पाते हैं, और कुछ लोग 2-3 बार समझाने से कैच कर लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा हु योर ऑडियंस इज का डिसाइड करते समय। एक्सपेक्टेशंस, अब अगला आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस। आपकी ऑडियंस की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, इसमें आपको देखना है उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इसमें बेसिकली आपको, जब आप नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखेंगे तो प्रायोरिटीज़ को और ध्यान में रख लीजिएगा कि वो बेसिक लेवल पर आपसे प्राथमिकता लेवल पर क्या चाहते हैं। Assumption of their expected questions, ये भी important हो जाता है कि उनके expected questions का अनुमान करना, अनुमान लगाना कि वो क्या पूछ सकते हैं, उनकी probable queries, उनकी संभावित queries, probable का मतलब है संभावित यानी possible।
लोकेल। जब हम बात करते हैं लोकेल की, तो लोकेल का मतलब होता है फिजिकल सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की फिजिकल सेटिंग। यानी कि अगर मैं पढ़ने से पहले ही आपको बताऊं, जिस रूम में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या जिस मैग्निफिशेंट ऑडिटोरियम में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उसकी फिजिकल सेटिंग का डिसाइड करना, डेलिब्रेशन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन डिसाइड सर्टेन थिंग्स बिफोर हैंड अबाउट द लोकेल। प्रॉपर लाइटनिंग है या नहीं, रूम टेम्परेचर कैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, ये सब आपको देखना होगा। वेदर माइक इज़ अवेलेबल वर्किंग और नॉट, डायस है या नहीं है, डायस है या नहीं है, पोडियम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल। अगर डायस या पोडियम नहीं है तो अपने आप को, अपने कागज़ों को, अपनी फाइल्स को, अपने चार्ट्स को, अपने नोट्स को अरेंज करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल, जहाँ पर आप अपने सारी चीज़ें अरेंज कर सकें। नेक्स्ट लेवल पर यू हैव टू मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर, सॉकेट है या नहीं है, वाइट बोर्ड अगर यूज़ करना है तो वाइट बोर्ड है या नहीं है, मार्कर में इंक है या नहीं है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो सकती है। If these are not available, you have to ask your organizer to arrange these one day prior to your presentation. Make sure that the room is neatly broomed, neat and clean है या नहीं है, mopped है या नहीं। Broomed का मतलब झाड़ू लगा हुआ, mopped का मतलब है पोंछा वगैरह लगाया हुआ है या नहीं। Curtains are properly hanged, curtains ठीक से लगे हुए हैं या नहीं, ताकि light का reflection ना आए। Availability of room freshener, ये और भी अच्छा है, to make the environment clean, fresh and aromatic. फ्रेश और एरोमेटिक बनाने के लिए, फ्रेश और अच्छा बनाने के लिए एनवायरनमेंट को, एरोमेटिक का मतलब सुगंधित बनाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर आप रूम फ्रेशनर भी अवेलेबल करा सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, एरोमेटिक हो जाएगा और बड़ा ही अच्छे से मन लगेगा। अब आते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली 8 काइंड के प्रेजेंटेशन होते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इस काइंड के प्रेजेंटेशन जो हैं वो डेटा और इसमें स्पेसिफिक डेटा या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस आइडिया या प्रोसेस के बारे में। टिप्स फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। जब आपको इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना हो तो यू शुड फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स और एजेंडा ऑफ योर टॉपिक फर्स्ट। एजेंडा पर, मेन पॉइंट्स पर अपने टॉपिक के फोकस करेंगे। डोंट यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ग्राफिक्स टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। ना तो ऐसी कोई ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे, ना तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे जो आपके ऑडियंस को कन्फ्यूज कर सकते हैं। ट्राई टेलिंग योर प्रेजेंटेशंस आउटलाइन इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। आप अपने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ही प्रेजेंटेशन की आउटलाइन बता देंगे तो बोरिंग नहीं होगा और लोगों का ध्यान आपसे जुड़ने लगेगा। Summarize important points, ideas of your presentation in the end. तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आते हैं persuasive presentation. Persuasion एक art है through which an individual influences the opinions, thoughts, decisions and actions of others. Persuasion एक बहुत ही बड़ी art है जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक individual जो है वो दूसरे के विचारों को, decisions को, actions को influences कर लेता है, एक तरह से उन पर अपना अधिकार जमा लेता है। Persuasive presentation can be made when policy making and election campaigns कब बनाए जाते हैं, जब या तो कोई policy making करनी हो, election campaigns हो, किस लिए, अपने listener को convince करने के लिए। Senior executive or management of an organization can leverage such presentations. कभी कभी senior executives और management भी किसी organization का इस तरह की presentation organize कर सकता है। Tips क्या हैं, Try to relate your arguments and data with personal experiences and stories. इस तरह की presentation को effective, impressive और audience winning बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने arguments जो भी आप दे रहे हैं उनके favor में कोई ना कोई personal, उनको मतलब अपने किसी personal experiences से अगर आप जोड़ देंगे या किसी की real life story से जोड़ देंगे ना, तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग आपसे मतलब फिर really मतलब impress होने लगेंगे। Start your presentation with a relevant quote or statistical analysis. एक relevant quote से, statistical analysis से भी आप दे सकते हैं, जहाँ पर आप data दे सकते हैं, statistics दे सकते हैं, figures दे सकते हैं। Your presentation should be an answer to the possible and probable queries of your audience.
आपका प्रेजेंटेशन पहले से ही इस तरह से डिज़ाइन हो जो आपकी ऑडियंस के प्रोबेबल क्वेरीज को आंसर कर सके, यानी कि आपको अपना प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना है उनकी प्रोबेबल क्वेरीज को मद्देनज़र रखते हुए। ट्राई टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू डिलीवर योर मैसेज इफेक्टिवली। अपने मैसेज को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो अगला आता है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन। दिस प्रेजेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन स्टेप बाय स्टेप डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस और सम प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्ट आया है, सर्विस आई है, या फिर कोई भी नया प्रोसेस है, उसका वन टू वन स्टेप बाय स्टेप डेमोंस्ट्रेशन जब हमें करना होता है, जैसे कोई नई मशीन आई है ना, या फिर कोई जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई नई एप्लीकेशन आई है, आपके यहाँ कोई नई वेबसाइट आई है, तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप डेमोंस्ट्रेशन होता है वही डेमोंस्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन होता है। टिप्स क्या हैं? ट्राई इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस ए बिट बिफोर इट्स डेमोंस्ट्रेशन। इससे पहले कि आप डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट करें, उससे पहले अपनी प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता दीजिए। यूज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायग्राम्स, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स और विजुअल्स इसमें दिखाइएगा। ट्राई मैंशनिंग सम ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स फॉर द ऑडियंस इन द एंड सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट द सजेस्टिव मैनर्स इन देयर ओन चॉइस। इंस्पिरेशनल आता है अब। दीज प्रेजेंटेशंस आर ऑल्सो नोन एज मोटिवेशनल प्रेजेंटेशंस। इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन एम एट प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन, जैसा कि पता ही है, एंड मोटिवेशन टू द ऑडियंस। इंस्पिरेशन मैसेज का मतलब ही ये होता है कि वो अपनी ऑडियंस को आप इंस्पायर कर सकें, उसके माध्यम से मोटिवेट कर सकें, एंड बाई डेवलपिंग एन इमोशनल कनेक्शन विद द लिसनर द स्पीकर ट्राई टू कन्वे हिज आइडियाज़ थ्रू स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवन थ्रू ह्यूमर समटाइम्स। अब इस तरह के प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए आपकी टिप्स क्या हैं? स्टार्ट विद ए स्टार्टिंग क्वेश्चन और स्टेटमेंट दैट इज थॉट इवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग या थॉट इवोकिंग क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? इससे आपकी ऑडियंस आपसे ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली सीमलेसली जुड़ जाएगी। Use the storytelling approach to ignite with the minds of your listeners. अपने listeners के minds को ignite करने के लिए, जागृत करने के लिए storytelling भी आप कर सकते हैं। Improve your body language and posture. आपकी body language और posture improved होना चाहिए, क्योंकि आप stage पर अपना authority establish करने जा रहे हैं। अगला प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रेजेंटेशन। दिस प्रेजेंटेशन इज़ द डिमांड ऑफ द डे। आपको पता ही है आज की डिमांड है। दे दीज आर मेड फॉर काउंटलेस पर्पसेस लाइक बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजी, फोरकास्टिंग फ्यूचर रिजल्ट्स, हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, एनालाइजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। इनको आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा। चार्ट बना दीजिएगा, इस तरह का चार्ट बना दीजिएगा। टिप्स फॉर डिलीवरिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। आपको कंसाइज और सॉलिड पॉइंट्स एक तो देने हैं, छोटे छोटे और सॉलिड पॉइंट्स। अवॉइड इनफॉर्मल टोन ऑफ स्पीच, यहाँ पर आपको इनफॉर्मल टोन ऑफ स्पीच अवॉइड करनी है बिजनेस प्रेजेंटेशन, क्योंकि हाईली फॉर्मल होते हैं। गो प्रिपेयर्ड, हाईली प्रिपेयर्ड जाना है आपको इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और उनकी प्रोबेबल क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। अगला जो बहुत प्रचलित है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो आप लोग हमेशा करते ही रहते हैं। दीज प्रेजेंटेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज प्रेजेंटेशन टाइप वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इफेक्टिव है। दीज आर इजी टू डेवलप, डिलीवर एंड अंडरस्टैंड। ये डेवलप होने में, डिलीवर होने में, अंडरस्टैंड करने में भी इजी है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ पर्पस यू आर ट्राइंग टू अचीव, कोई भी पर्पस आप अचीव करने जा रहे हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रेसिव और फ्रूटफुल बनाने के लिए टिप्स हैं। स्टैंड बाई द स्क्रीन वाइल पॉइंटिंग आउट द पॉइंट्स। जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो पॉइंट्स को, तो आपको स्क्रीन के पास खड़ा होना है। स्टैंड बाई का मतलब स्क्रीन के पास खड़ा होना है। स्टैंड अवे फ्रॉम द स्क्रीन वाइल इलैबोरेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स। जब आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलैबोरेट कर रहे हैं, तो फिर आपको स्क्रीन से अलग हटकर खड़े हो जाना है। तो ये सारे हमारे प्रेजेंटेशन थे। अब आता है पब्लिक स्पीकिंग। ये बी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सेक्शन बी में आ सकता है। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, ये आर्ट है डिलीवरिंग ए स्पीच टू द लाइव ऑडियंस। लाइव ऑडियंस को एक स्पीच डिलीवर करने की आर्ट है या प्रैक्टिस है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ए सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल मैनर।
जनरली इसका एम क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखिए ये पॉइंट है कि एक प्रैक्टिस और आर्ट है किसकी, डिलीवरिंग स्पीच डिलीवर करने की, किसको, लाइव ऑडियंस को, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लाइव ऑडियंस। जनरली यहाँ इसमें एम क्या रहता है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, मोटिवेटिंग पीपल टू टेक ए पर्टिकुलर एक्शन। पर्पस क्या है इसके, ये सारे पर्पस हैं, टू इन्फॉर्म, टू पर्सुएट, समटाइम्स इट इज़ आल्सो पब्लिक स्पीकिंग, समटाइम्स एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है, जैसे कौन करता है, कॉमेडियंस करते हैं, कपिल शर्मा शो करता है, टू लीड, टीम को लीड करने के लिए है ना, ट्रेन करने के लिए उनको है ना, एजुकेट करने के लिए। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन में हु मतलब स्पीकर कौन है, टू हूम मतलब ऑडियंस कौन है, जब हम ऑडियंस कौन है की बात करते हैं तो हम उनका जेंडर, बिग ग्राउंड नॉलेज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज इज नोन टू दैम, ये सब इकट्ठा करते हैं इसकी जानकारी। विद वॉट इफेक्ट, किस इफेक्ट से करी जानी है, हम अपना मिशन, गोल और टारगेट डिसाइड करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग देने का टारगेट क्या है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, उसके आउटकम क्या रहने वाले हैं, नतीजे, आउटकम का मतलब है नतीजे। प्रोजेक्ट, फिर अब आता है यूजिंग व्हाट मीडियम, कौन कौन से मीडियम का इस्तेमाल करेंगे आप, तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं क्या आप, स्लाइड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग टू यूज़ ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप्स, डायग्राम्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आ सकता है। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दे आर बेसिकली थ्री पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, टू वर्बलाइज, वर्बलाइज का मतलब है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट द स्पीकर इज गोइंग टू यूज, मतलब व्हाट यू स्पीक। तो वर्बलाइज का मतलब तो वर्बल से है ना, इससे याद रखिएगा, वर्बल का मतलब है व्हाट यू स्पीक, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट यू स्पीक। वोकलाइज का मतलब है हाउ यू डिलीवर वर्ड्स यूजिंग पर्टिकुलर डिवाइसेस ऑफ पैरालिंग्विस्टिक्स, पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ पैरालिंग्विस्टिक्स, पिच, रिदम, इंटोनेशन, पेस, रेट, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन एंड अदर वोकल स्किल्स। वोकल का मतलब ही है पैरालिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब ही है रेट, पिच, रिदम। विजुअलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज का मतलब है कि हाउ योर ऑडियंस विजुअलाइजेज यू एंड योर प्रेजेंटेशन। तो विजुअलाइजेज यू, दो चीज़ें हैं देखिए, एक तो आपको कैसे विजुअलाइज करती है, विजुअलाइजेज, और एक आपके प्रेजेंटेशन को कैसे विजुअलाइज करती है, यानी आपको और आपके स्पीच को। तो जब आपको अपने आप को विजुअलाइज कराना हो तो आपको अपने ड्रेसिंग पर, ग्रूमिंग पर ध्यान देना होगा, और जब आपका प्रेजेंटेशन को विजुअलाइज कराना हो तो आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना होगा, मोनोटोनस होने से बचाना होगा। अब आती है व्हाट आर द टिप्स टू ओवरकम स्टेज फियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज़ ए टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, रीड ए लॉट, पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको एक टॉपिक चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट का, और उस टॉपिक के बारे में यू हैव टू रीड ए लॉट, वेदर फ्रॉम न्यूज़पेपर और फ्रॉम मैगजीन्स, ब्लॉग्स से पढ़ सकते हैं, एंड यू हैव टू कलेक्ट एज मच मटेरियल एज यू कैन कलेक्ट, यू कैन सर्फ साइट्स, यू कैन वॉच यूट्यूब चैनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट पर आपको क्या करना है, प्रिपेयर मोर मटेरियल देन इज एक्सपेक्टेड देन इज रिक्वायर्ड, जितना मटेरियल चाहिए हो उससे ज़्यादा इकट्ठा करना है, उससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। प्रिपेयर ए वेल रिसर्च्ड स्पीच, एक बहुत रिसर्च करी हुई, अनुसंधान की हुई स्पीच तैयार करनी है, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से पढ़कर क्रॉस चेक करके आपको वेल रिसर्च्ड स्पीच तैयार करनी है। जितने ज़्यादा टॉपिक के एस्पेक्ट आप कवर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा टॉपिक के बारे में डीपली इंसाइट आप कलेक्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको करना है। अगला आता है प्रिपेयर द आंसर ऑफ ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट ऑडियंस मे आस्क फ्रॉम यू, आपको क्या करना है कि सारे पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है जो ऑडियंस आपसे पूछ सकती है। रीच द वेन्यू एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, वेन्यू पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है शेड्यूल टाइम के, एंड चेक ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बिफोर हैंड, सारे नेसेसरी अरेंजमेंट को बिफोर हैंड का मतलब है पहले से ही आपको चेक कर लेना है। अगला आता है कीप ऑन अटेंडिंग पब्लिक इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको अटेंड करनी है पब्लिक इवेंट टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व करना है उनका वे ऑफ स्पीकिंग, ऑब्जर्व करना है उनका नॉन वर्बल क्यूज, नोटिस करना है हाउ दे इंटरैक्ट एंड हाउ दे इंटरैक्ट। फिर आपको क्या करना है, यूज़ सम हेल्दी ह्यूमर, क्योंकि ह्यूमर वर्क्स एक्सीलेंटली टू रिलैक्स यू एंड योर ऑडियंस बोथ।
टेक सम डीप ब्रीथ, कुछ डीप ब्रीथ्स ले लीजिए। फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब जाता है तो आपकी नर्वसनेस पर ओवरकम हो जाता है, फियर आपका ओवरकम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामबाण इलाज, एक ही इलाज है, वो क्या है कि यू हैव टू गो फॉर रिहर्सल्स, रिपीटेड प्रैक्टिसेस। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल फील कॉन्फिडेंट, द मोर यू विल प्रैक्टिस द लेस योर फियर विल बी विद ईच ऑफ योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हर प्रैक्टिस के बाद आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में 1% बूस्टअप देखेंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम आपका फियर होता जाएगा। अब आता है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली 4 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं। आप इन वीडियोस को देखकर मेरा क्वेश्चन बैंक जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से यूनिट वाइज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को सेग्रीगेट करते हुए इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट के बीच में प्रायोरिटाइज किया है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर हम मोड ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो पहला है एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोर में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन इज़ डिलीवर्ड विदाउट स्पेशल एडवांस प्रिपरेशन। इसमें जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है वो विदाउट स्पेशल एडवांस प्रिपरेशन बनाया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं, स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक इन ए मोर कन्वर्सेशनल टोन, स्पीकर मोर कन्वर्सेशनल टोन में बोलने के लिए तैयार हो जाता है। ये मेथड जो है वो अलाउ करता है स्पीकर को टू मेक मोर आई कॉन्टैक्ट, इसमें आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इफ़ प्रिपरेशन इज इनएडिक्वेट, अगर हमारी प्रिपरेशन इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशियंट है, इनकम्प्लीट है, तो हम डिरेल हो सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन डिरेल हो सकता है, यानी हम पटरी से उतर सकते हैं। स्पीकर में फॉरगेट और स्टक हो सकता है वो किसी पॉइंट पर, एंड उसके जो कार्ड्स हैं वो भी आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। अगला आता है हमारा मैनुस्क्रिप्ट मेथड। इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो पूरा का पूरा रिटन फॉर्म में होता है, एंड टू उसको खाली ही हैज़ टू रीड अलाउड वर्ड बाय वर्ड, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता है। मैनुस्क्रिप्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें एवरीथिंग इज इन रिटन, एवरी वर्ड इज़ वेल प्लान्ड एंड सीक्वेंशियली अरेंज्ड। इन दिस एवरी वर्ड इज़ रिटन ऑन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर, और ये मेथड मैनुस्क्रिप्ट मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन द आइडिया इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, और व्हेन देयर इज़ डेटाबेस इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन डेटाबेस होती है या आइडिया कॉम्प्लिकेटेड टफ और डिफ़िकल्ट होता है तो मैनुस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर एंड ही हैज़ टू रीड अलाउड फ्रॉम द हेल्प ऑफ द पेपर। एडवांटेज क्या है, स्पीकर हैज़ एक्सेस टू एवरी वर्ड, स्पीकर को हर वर्ड पर एक्सेस होती है, पहुंच होती है, वो हर वर्ड को पढ़ सकता है। नो गैस वर्क, नो मेमोराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी गैस वर्क मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। दिस मेथड हेल्प्स द स्पीकर टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंट, ये मेथड जो है वो स्पीकर को कॉन्फिडेंट बनाता है, ईजी और टेंशन फ्री बनाता है। इट इज़ परमानेंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये परमानेंट और एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है प्रेजेंटेशन का, ये मेथड ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिकली भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, प्रेजेंटेशन अगर हम इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करें, इम्प्रॉम्प्टू मेथड डिसएडवांटेजेस की बात करें मैनुस्क्रिप्ट मेथड की, तो ड्यू टू रीडिंग देयर इज लेस टाइम फॉर मेकिंग ऑफ आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। इसमें आई कॉन्टैक्ट बनाने का कोई स्पेस नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा ही हैज़ टू रीड अलाउड फ्रॉम द हेल्प ऑफ पेपर। नो इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। अगर उसका प्रोनंसिएशन रॉन्ग है, इम्प्रॉपर फ्लू है, तो पूरा का पूरा इफेक्ट ख़राब हो जाता है। अब आता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मेथड जो होता है वो ऑफ द कफ होता है, ऑफ द कफ का मतलब एकदम से तुरंत। दैट इज स्पीकिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन, ये मेथड कब होता है, स्पीच मोड ऑन रिसीविंग सम अवार्ड्स
कुछ अवार्ड रिसीव करते समय होता है, फॉर्मल वेलकम एड्रेस देते समय, वोट ऑफ थैंक्स देते समय, इंट्रोड्यूसिंग सम गेस्ट इन एन इवेंट। जब किसी इवेंट में बहुत सारे गेस्ट तो पहले से ही बुला लिए जाते हैं, एक कोई गेस्ट है वो इमिडिएटली आ जाता है, जिसका अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो भी आप उस गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते समय आपको इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देनी पड़ सकती है। एडवांटेज ये है कि स्पीकर के पास लॉट्स ऑफ स्कोप होता है बोलने के लिए, उसके पास कोई एक एरिया नहीं होता, बल्कि उसको कहीं से भी वो स्टार्ट कर सकता है, तो बहुत सारा स्कोप होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। स्पीकर साउंड्स नेचुरल इफ़ ही इज़ कॉन्फिडेंट, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो बहुत नेचुरल साउंड करता है, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो लोगों के दिलों पर अधिकार जमा लेता है। अब आता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन स्पीच जो है वो फुली प्रिपेयर्ड इन एडवांस, पूरी तरह से पहले से प्रिपेयर करी जाती है। स्पीकर डज नॉट यूज़ एनी नोट्स, कोई नोट्स का यूज़ नहीं होता, लेकिन मेमोराइजेशन ऑफ स्पीच इज़ नॉट लाइक मेमोराइजिंग ए पोएम वर्ड बाई वर्ड एग्जैक्टली एज इन रिटन। अगर आप स्पीच को मेमोराइज़ करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वर्ड बाई वर्ड जैसा कि लिखा हुआ है ऐसे ही मेमोराइज़ करना है। एक्चुअली मेमोराइजेशन ऑफ स्पीच में आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर एन आउटलाइन, और उस आउटलाइन पर आपको प्रैक्टिस करनी है अंटिल यू रिकॉल द कंटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आउटलाइन के 6 पॉइंट तैयार करें, तो 6 पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट्स हैं वो आप तब तक प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक पॉइंट के अंदर के सब पॉइंट्स आप 5 हैं तो 3 ही बोल पाएंगे, है ना। दूसरी बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो 4 बोल पाएंगे, चौथी बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे बोल पाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है आउटलाइन के बेसिस पर, और आपको एक आउटलाइन बनानी है, उसी के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। एडवांटेज क्या है, स्पीकर कैन फुली फेस द ऑडियंस, पूरी तरह से ऑडियंस कर सकते को फेस कर सकता है, प्रॉपर आई कंटेक्ट इज़ पॉसिबल, और स्पीकर कैन इजीली मूव, यहाँ इसमें मूव भी कर सकता है, मूव ऑन भी कर सकता है, एंड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ प्रॉपर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन वो कर सकता है अपने ऑडियंस से, क्योंकि रटा रटाया नहीं बोलना है। और एक बात और भी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, भाई आप अगर रट कर लाएँ, तैयार करके लाएँ तो आप नहीं बोल पाएंगे। और मेमोराइजेशन में आप इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऑडियंस नहीं समझ पा रहा है तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि कभी कभी स्पीकर जो है फॉरगेटफुल हो सकता है, और ये बहुत एम्बेरेसिंग हो जाएगा, इट रिक्वायर्स टू मच टाइम, बहुत सारा टाइम चाहिए मेमोराइजेशन के लिए, अगर रिहर्स प्रॉपरली नहीं है तो डिलीवरी माइट फेल, इफ़ नॉट रिहर्स्ड प्रॉपरली डिलीवरी माइट फेल। अगर ज़्यादा अच्छे से रिहर्सल नहीं की है, बार बार रिहर्सल नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो डिलीवरी में आप अटक सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इन दिस मैथड स्पीकर मे बी अनकम्फर्टेबल बट ही मे हैव एज ही मे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कम्फर्टेबल अनईजी हो सकता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। अब आता है ऑडियंस पार्टिसिपेशन। एक्चुअली ऑडियंस पार्टिसिपेशन है क्या, वेन द ऑडियंस इज एक्टिवली engaged, अरेंज नहीं है ये, एक्टिवली इंगेज इन द प्रेजेंटेशन। तो जब एक्टिवली इंगेज होती है, क्या होती है, एक्टिवली इंगेज होती है ऑडियंस कहाँ पर, प्रेजेंटेशन में, तो यही ऑडियंस पार्टिसिपेशन माना जाता है। और ऑडियंस को इंगेज कराने के लिए यू मे कंडक्ट क्विजेज और इंटरजेक्शन, रोल प्ले करा सकते हैं, टीम एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, गेम्स करा सकते हैं। बहरहाल क्विज क्या होती है, क्विज एक टाइप का माइंड गेम होता है जिसमें पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट करता है टू चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शंस। वेल फॉर्मुलेटेड क्विज जो है वो मॉरल बूस्ट करती है लोगों आपकी ऑडियंस का, लिसनर्स का, और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक on which the quiz is prepared. Quiz is an quiz ek effective way hai not only to test the knowledge of how much your audience is grasping, but also quiz helps to control the attention of the audience. Lots of fun quizzes hain in dino, jaise ki Quizland hai, trivia hai, trivia track hai, jo ki net par available hai. Interjection kya hota hai,
इंटरजेक्शन क्या होता है? इट इज़ एक्सेप्ट कन्वर्सेशन में इंटरजेक्शन का मतलब है हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना, है ना, इंटरवीन रोकना, है ना, इंटरप्ट करना। तो कन्वर्सेशन में इंटरजेक्ट करना एक्सेप्टेबल है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी पोलाइट वाइल मेकिंग एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर डन टू क्लैरिफाई। इंटरजेक्शन क्यों करा जाता है? एक डाउट को क्लियर करने के लिए, टू ऐड समथिंग न्यू एंड रेलिवेंट। मान लो आपको लग रहा है कि आपके स्पीकर ने जो बोला है उसके अतिरिक्त आपके पास कुछ कहने के लिए सॉलिड है, तो भी आप कर सकते हैं। टू मेक ए रिक्वेस्ट टू रिपीट सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट कम्प्रीहेंसिबल, कुछ चीज़ें रिपीट कराने के लिए जो आपको समझ में नहीं आ पाई हैं, जो रादर टफ हैं। टू इंडल्ज इन डिस्कशन एंड डिबेट, डिबेट और डिस्कशन में इंडल्ज माने इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन हमेशा एक आदमी को एक इंटरजेक्शन करते समय हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पोलाइट होना है, मैनर्ड होना है और प्रॉपर डेकोरम को फॉलो करना है। और तब हमको वी हैव टू वेट फॉर द स्पीकर टू टेक सम पॉज, वी कैन ऑल्सो रेज आवर हैंड टू इंटरैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। क्लासरूम प्रेजेंटेशन, क्लासरूम प्रेजेंटेशन का मतलब है टीम टीचिंग और असिस्टिंग इन क्लासरूम टीचिंग गाइडेंस करिकुलम एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ बाय काउंसलर्स इन क्लासरूम एंड गाइडेंस सेंटर और इन स्कूल प्रेमिसेस। अब आती है टिप्स। मेक ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग, अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग बनाइए और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड वेलकम। इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इन ब्रीफ, दोबारा जब आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लें तो अपने टॉपिक को ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कराइए। बीवेयर ऑफ योर नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका बारे में जागरूक रहिए। डेलिब्रेट यूज़ बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से यूज़ करिए। काफ़ी एम्पिल का मतलब है सफिशेंट और एडिक्वेट आई कॉन्टेक्ट करना है अपनी ऑडियंस से, इससे आपका कॉन्फिडेंस ग्लिम्पस होगा। ट्राई टू स्पीक क्लियरली, अच्छे से बोलिए, क्लियर करके बोलिए ताकि ऑडियंस आपके वर्ड्स को समझ पाए। डिलीवर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ पैरालिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक की मदद से कंटेंट डेवलप करिए, जैसे रेट, पिच, रिदम, इंटोनेशन। क्वालिटेटिव ह्यूमर को इंट्रोड्यूस कराइए। ह्यूमर बहुत अच्छे से एक्सीलेंटली वर्क करता है, एक्सीडेंटली नहीं है ये, एक्सीलेंटली है। टू रिलैक्स यू एंड योर ऑडियंस बोथ, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस से एक काम और कर सकते हैं आप, अपने ऑडियंस से यू कैन कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू जस्ट चेक कि वो सुन भी रहे हैं आपको या नहीं। हैव ए गुड कमांड ऑन टॉपिक, आपका खुद का भी टॉपिक पर गुड कमांडिंग होना जरूरी है। प्रिपेयर मोर मटीरियल देन इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल तैयार करिए, जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा तैयार करिए। प्रिपेयर ए वेल रिसर्च्ड कंटेंट, जो भी कॉन्टेंट आप तैयार करने जा रहे हैं वो वेल रिसर्च्ड हो, क्रॉस चेक करके अच्छे से एग्जामिन करके लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज से तैयार करके बनाना है। प्रिपेयर द आंसर ऑफ ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस, सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस का आंसर तैयार कर लीजिए जो ऑडियंस फायर कर सकती है। स्टार्ट विद ए स्माइल, यू हैव टू स्टार्ट विद ए स्माइल। स्माइल क्या करती है? आपको और आपके ऑडियंस को एक दूसरे को आपसे मतलब एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करती है, फ्रेंडली अप्रोच डेवलप करती है। एक पॉजिटिव अप्रोच अख्तियार करिए, नॉन प्रिजुडाइज हो जाइए, नॉन पार्शियल और अनबायस्ड हो जाइए और एनर्जेटिक रहिए, चेयरफुल रहिए। एनर्जी अपनी आईज़ में रखिए, वॉइस में रखिए, मूवमेंट्स में रखिए, आपकी एनर्जी ज़रूर आपकी ऑडियंस को इन्वाइट करेगी, कनेक्ट करेगी और अट्रैक्ट करेगी। इन्वाइट यू एटीट्यूड, यू एटीट्यूड इन्वाइट करिए। यू एटीट्यूड का मतलब है टू मेक योर ऑडियंस फील हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर, इससे भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। हैव इनफ रिहर्सल्स, काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा रिहर्सल करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। यूज़ प्रॉपर विजुअल एड्स, मैप्स, चार्ट्स बना लीजिए, टेबल्स, पिक्चर्स और ग्राफ्स यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट ना केवल इंटरेस्टिंग बनेगा बट आल्सो इजी और इफ़ेक्टिव बनेगा। अपने टॉपिक को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके लिए आपको कंटेंट को पॉइंट्स में एलैबोरेट करना होगा। अब आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन 2 मार्क्स में आ सकता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग 2 or more than 2 people। सिंपल है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थाट्स, न्यूज़, व्यूज, कहाँ पर शेयर करना है? बिटवीन 2 or more than 2 people। ये एडवांटेजेस है क्योंकि इसमें डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है, डाउट क्लियर हो जाते हैं,
इफ़ ए डाउट अकर्स इट कैन बी इंस्टेंटली क्लैरिफाइड, अगर कोई भी डाउट अकर होता है तो इंस्टेंटली माने तुरंत क्लैरिफाई हो जाता है. इंटरेक्शन बिटवीन फ्रेंड्स, इंटरेक्शन विद योर कोऑर्डिनेटर, इंटरेक्शन विद सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंटरेक्शन ऑफ डायरेक्टर विद फैकल्टी मेम्बर्स, इंटरेक्शन ऑफ टीचर विद स्टूडेंट फैमिली, है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM, ये भी है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल, नो स्कोप ऑफ अराउजिंग एनी डाउट बिकॉज डाउट्स आर क्लैरिफाइड इमीडिएटली एट द स्पॉट. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कंटिन्यूस है, हम अपने शेयर्स ओपिनियन सजेशन को इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं और इसीलिए ऑडियंस पर, क्योंकि ये कंटिन्यूस है और टू वे है, इसीलिए आपने देखा ना कि बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल, तो इसीलिए दोनों तरफ से टू साइडेड होने के कारण से ऑडियंस पार्टिसिपेशन इसमें हो जाता है. तो यही सब था इस यूनिट के बारे में. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू गेटवे क्लासेस. फिर से मैं बता दूँ, क्लासरूम प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इम्प्रॉम्प्टू मेथड यानी वॉइस डिलीवरी के मेथड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस टाइम.